चलिए तीसरे वीडियो में हम आपको पहले करवाएंगे कुछ रिवीजन और उसके बाद डबल डिजिट की एडिशन। डबल डिजिट तो आपको मालूम है, जैसे एक से नौ तक तो सिंगल होते हैं और एक ही डिजिट होता है। नौ में एक जमा हो जाए तो हो जाते हैं दस, और दस में कितने डिजिट हैं? दो। पहले जीरो और फिर एक। जीरो राइट, एक लेफ्ट। ओके, तो अब आप देखिए आपके सामने कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं रिवीजन के लिए, राइट? चलो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले दो जमा चार कितने होते हैं? सिक्स, है ना? आसान। और नौ जमा तीन कितने होते हैं? बोलो, बारह। छह जमा सात कितने होते हैं? तेरह। आठ जमा छह कितने होते हैं? चौदह। और सात जमा सात भी होते हैं चौदह। क्यों भाई, ठीक है ना? और आठ जमा सात नेचुरली पंद्रह। आठ जमा आठ सोलह। पांच जमा छह ग्यारह। सात जमा नौ सोलह। आठ जमा आठ भी सोलह। और नौ जमा नौ अठारह। नौ जमा आठ कितने हुए? सत्रह। ठीक है ना? ओके, अब अगर हमने आपको देने हैं सत्रह रुपए तो हम आपको एक नोट देते हैं दस का और बाकी एक एक रुपए के सात नोट देते हैं, तो ठीक ही हुआ ना? इसीलिए सत्रह लिखने के समय हम सात लिखते हैं राइट में, सिंगल डिजिट की जगह, और एक लिखते हैं लेफ्ट में, जो है दस रुपए का एक नोट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दस के जितने नोट होंगे वो लेफ्ट में लिखे जाएंगे। अब एक नोट है तो एक लिखा जाएगा, और अगर हमने आपको देने हो 22 रुपए तो कैसे लिखेंगे? दो नोट होंगे एक एक के, और दो नोट होंगे दस दस के, तो एक एक के नोट लिखेंगे किधर? राइट में। और
दस दस के दो लेफ्ट में हो गए 22। क्यों भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं डबल डिजिट्स की एडिशन पर। 22 में 3 जमा करके देखते हैं। पहले हम जमा करेंगे 1-1 रुपए वाले नोट, तो 2 जमा 3 हुए 5, और 10 रुपए वाले कितने नोट हैं? 2। तो लेफ्ट में लिखा 2 और रुपए कितने हो गए? 25। ठीक है ना, ओके। अब 38 प्लस 17, पहले 8 और 7 जमा करते हैं तो कितने हुए? 15। 15 का 5 आएगा 8 और 7 के नीचे, और जो बाकी 10 का एक नोट बचा वो जाएगा बाकी 10 के नोटों के साथ, यानी लेफ्ट में। तो कितने हुए? 1 और 3 4 और 1 5, टोटल 55 रुपीज, राइट। अब अगर हम जमा करने चाहें 47 में 9, तो 7 जमा 9 हुआ 16, 16 का 6 आया राइट में, और 1 गया 4 के साथ लेफ्ट में, 4 और 1 हुए 5, टोटल हुआ 56, ओके। तो अब हमें मालूम हुआ कि डबल डिजिट में राइट वाला डिजिट होता है इकाई का और लेफ्ट वाला होता है दहाई का, यानी राइट में 1-1 रुपए वाले नोट और लेफ्ट में 10-10 रुपए वाले नोट। और सोचना, अगर 100 रुपए वाले नोट होंगे तो वो कहाँ लिखे जाएंगे, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ओके। बाय बाय।